नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ नेहा पन। खबर मुंबई से है। अगर आप मुंबई और इसके आसपास रहते हैं तो इस खबर को ध्यान से सुनिएगा। भारतीय मौसम विभाग और निजी कंपनी स्काईमेट ने 9, 10 और 11 जून को यानी 3 दिन मुंबई और कोंकण में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आशंका जताई गई है कि इन 3 दिनों में मुंबई और कोंकण में 2005 से भी ज्यादा बारिश हो सकती है, यानी जोरदार जबरदस्त बारिश की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई के ऊपर घने बादलों का छल्ला बन रहा है जो कि बहुत दुर्लभ है। आपको हम ये बता दें कि 2005 में, और आप में से कईयों को याद भी होगा, मुंबई में मूसलाधार बारिश और हाईटाइड से भयंकर बाढ़ आई थी। ये 2005 की तस्वीरें आप देख रहे हैं, तब मुंबई का बहुत बुरा हाल हो गया था। ये देखिए तस्वीरें, देखिए आप, बाढ़ आ गई थी तब मुंबई में, गाड़ियां डूब गई थी, लोगों के लिए जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था। और बड़ी बात यह है कि अब 9, 10 और 11 जून को ठीक इसी तरह की बारिश और बारिश से आती हुई बाढ़ की एक तरह से चेतावनी दी गई है। महेश पालावत जी मौसम वैज्ञानिक स्काईमेट से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महेश पालावत जी, मैं चाहूंगी कि दर्शकों की जानकारी के लिए आप ये बताइए कि 9, 10 और 11 जून को बारिश के किस तरह के हालात मुंबई और कोंकण में रह सकते हैं। देखिए, इस समय जो प्री मानसून एक्टिविटी तो मुंबई और उसके आसपास रत्नागिरी और कोंकण एंड गोवा में काफी अच्छी शुरू हो गई है, तो धीरे धीरे प्री मानसून एक्टिविटीज बढ़ेंगी। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो कोकन एंड साउथ कोकन एंड गोवा कोस्ट पर है और दूसरा बे ऑफ बंगाल में है, सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में। तो ये दोनों आपस में मर्ज होंगे करीब 8 या 9 के आसपास, और कोकन एंड गोवा में काफी ज्यादा हैवी रेन के चांसेस हैं रत्नागिरी से लेकर के दहानू तक, यानी कि रायगढ़, थाने, मुंबई, ये सारे इलाके में हैवी टू वेरी हैवी रेन होने के चांसेज हैं। तो उस समय तो हो सकता है कि कई जगह पर वाटर लॉगिंग वगैरह हो जाए, और ये 11-12 तक रहेगा और उसके बाद धीरे धीरे इंटेंसिटी कम हो जाएगी। गुजरात के साउथ जो हिस्से हैं जैसे सूरत, वलसाड़ वगैरह, उन इलाकों में भी हैवी रेन के चांसेस उस पीरियड में है। शुक्रिया आपका महेश पालावत जी हमसे बात करने के लिए। तो मौसम वैज्ञानिक स्काईमेट से हमारे साथ जुड़कर महेश पालावत जी ने जानकारी दी कि 3 दिन 9, 10 और 11 जून को मुंबई, गोवा, कोंकण, ये तमाम ऐसे इलाके जहां पर भारी बारिश हो सकती है और 2005 की बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। मुंबई में हम आपको बता दें कल रात जोरदार बारिश हुई है, प्री मानसून शावर, और हम आपको 3 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए, ये मुंबई के हिंदमाता, परेल और मालाबार हिल्स की है। कल मुंबई के पूर्व और पश्चिम उपनगर और दक्षिण मुंबई में जोरदार बारिश हुई। तेज हवा के साथ जोरदार बारिश से कई जगह पेड़ की टहनियां गिर गई। ये प्री मानसून शावर शुरुआती बारिश में ही मुंबई वालों के सामने वही पुरानी मुसीबत, जल जमाव का उन्हें सामना करना पड़ा। मुंबई में करीब 46 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं महाराष्ट्र के रत्नागिरी में बारिश और ज्यादा हुई है। रत्नागिरी में करीब 170 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। हिंदमाता, परेल और मालाबार हिल्स की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये प्री मानसून शावर है, यानी मानसून से आने की पहली की जो बारिश है वो हुई है और उसी में मुंबई वासियों को मुसीबत का सामना करना पड़ा है। मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश से हुए नुकसान की अब बात करते हैं। आपको बता दें, मुंबई से सटे ठाणे जिले के भिवंडी में भारी बारिश से दर्दनाक हादसा हुआ है। भारी बारिश के कारण भिवंडी में 2 जगह दीवार गिरने से अलग अलग हादसों में 1 शख्स की मौत हो गई, 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। भिवंडी में पद्मानगर इलाके में कपड़े के कारखाने की दीवार गिर गई, जबकि नायगांव इलाके में एक इमारत की दीवार गिरने से हादसा हुआ। वहीं मुंबई के बालकेश्वर इलाके में एक कार पर पेड़ का हिस्सा टूटकर गिर गया। कल की बारिश में मुंबई में 39 जगहों पर पेड़ गिरने की खबर है, जबकि कई जगह जाम की स्थिति भी उत्पन्न हुई। आपको याद दिला दें कि शनिवार को भी मुंबई में भारी बारिश के बाद करंट लगने से 2 बच्चों और एक युवक की मौत हो गई थी। तो मुंबई और आसपास किस तरह से मुसीबत की बारिश परेशानी खड़ी कर रही है, उसकी ये तस्वीरें आपके सामने। दक्षिण मुंबई के बालकेश्वर में कार पर पेड़ का हिस्सा टूटकर गिरने से कार के शीशे टूट गए। बालकेश्वर से देखिए संवाददाता ऋत्विक भालेकर की ये रिपोर्ट। शाम करीब 8 बजे के बाद मुंबई के पूर्व और पश्चिम उपनगर के साथ ही दक्षिण मुंबई में भी मूसलाधार बारिश को शुरुआत हुई। दक्षिण मुंबई परिसर में हम फिलहाल है और आपको दिखा दे, शाम 8 बजे से लेकर 9 बजे तक 1 घंटे में यहाँ पर धुआंधार बारिश हुई और इस बारिश की वजह से जगह जगह पर
पेड़ जो बड़े बड़े होते हैं उसकी टहनियां गिर गई है और खासा नुकसान यहां पर होता दिख रहा है। हम फिलहाल आपको यहां पर दिखा दे, यहां पर जो पार्किंग में कार्स खड़ी होती है उन पर ये टहनियां गिर गई है और उससे बड़ा नुकसान इसको हुआ है। उसकी कांच टूट गई है, कई सारे पार्ट्स डैमेज हो गए हैं। हम आपको यहां पर दिखाना चाहेंगे किस तरह से इस कार पर इस पेड़ की जब टहनी गिरी इसकी कांच पूरी तरह से फूट गई है, ब्रेक हो गई है और यहां पर तहज नहज होते हुए हम देख सकते हैं। इस कार के मालिक है हमारे साथ, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कब हुआ ये, यहाँ पर कोई फायर ब्रिगेड या पुलिस प्रशासन के कोई लोग थे कि नहीं? नहीं, कोई नहीं थे अभी तक। और 8 बजे के आसपास घटना हुई है और मेरे को मालूम पड़ा 9 बजे, और मैं देखने आया तो पता चला कैसा घटना हुआ। महाराष्ट्र और गोवा में एक दो दिन के अंदर मॉनसून पहुंचने का अनुमान है। मुंबई में प्री मॉनसून की बारिश ही मुसीबत बनकर आई है। इससे पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, हालांकि हम ये आपको बता दें कि मुंबई के लिए ये नया नहीं है, हर साल बारिश में मुंबई का बुरा हाल हो जाता है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सिंधुदुर्ग में बारिश, मुंबई में किस तरह से जल जमाव हुआ है। मौसम विभाग ने 6 से 8 जून तक महाराष्ट्र और गोवा में मॉनसून पहुंचने का अनुमान जताया है। ऐसे में इस हफ्ते के अंत तक मुंबई वालों को भारी बारिश का सामना करना पड़ सकता है। ये जो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर कोंकण क्षेत्र में पड़ने वाले महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले की है, दूसरी तस्वीर मुंबई की है जहां बारिश ने सूरत बिगाड़ कर रख दी। बारिश के बाद मुंबई के कई इलाकों में ऐसी ही जलजमाव की तस्वीरें देखने को मिली हैं। ये प्री मॉनसून शावर है, आगे 9, 10 और 11 यानी 3 दिनों जबरदस्त बारिश की आशंका जताई गई है। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।